प्रियादीप की तरफ से या उनके हस्बैंड की तरफ से हमें कोई इनविटेशन नहीं आया, निको सुमित की तरफ से हमें कोई भी तरह का इनविटेशन नहीं आया। हमने वीडियो बनाया था कि हमने कहा था कि अब हम किसी भी क्रिएटर के फंक्शन में नहीं जाएंगे, किसी भी यूट्यूबर सबके फंक्शन सब में नहीं जाएंगे। जा रहे हैं अपना घर, तुम्हारे सोनू के पापा जो हैं, शाश्वत के पापा, तो इनके मित्र थे, मित्र क्या समझो कि मित्र भाई सब कुछ समझो, तो उनकी पत्नी का अचानक देहांत हो गया है, तो उसी की जानकारी मिली है, तो कुछ दे तो नहीं सकते हैं, लेकिन इस विपत्ति के अवसर पर जाना उचित समझे, इसलिए उनसे मिलने जा रहे हैं। ना कोई अजर है ना कोई अमर है, जाना सबको है, मनुष्य तन में जन्म लिए हैं तो जाना आना यह तो यात्रा है, लेकिन थोड़ा समय से बिफोर जब लोग जाता है अपार होती है, लेकिन हम मानव हैं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, तो जब तक जिंदा है तो एक दूसरे को बोल भरोसा दे करके हम लोग सहारे से जीते हैं, वही करने जा रहे हैं अपना ड्यूटी निभाने। असंतोष और धैर्य तो उनको भगवान देंगे जो दुख दिए। The next day. सो के उठ गया और सीधा पापा को ढूंढते ढूंढते भागेगा इधर से उधर। कहाँ जा रहा है? मिले पापा? इधर है पापा, चलो दिखा देते। वहाँ 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 पापा, उधर 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 पापा, सीधा है पापा के पास भागे। और मौसम देख सकते काफी अच्छा हो चुका है। पूछी दे तो पापा को। सीधा उठते हुए हमसे बात तक नहीं किया, सीधा भागा इधर। Later. देखो क्रियांश, तुमको इस बहन में जाना पड़ेगा कुछ दिन बाद। मतलब बहन अभी आई ही लेने बारिश के कारण। नहीं देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं क्रियांश। तो खाना बनाते बनाते मुझे गाड़ी में बैठना पड़ गया क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। बारिश में क्रियांश बाइक से जा नहीं सकता और इसको गाड़ी से ही ड्रॉप करना पड़ रहा है, तो उसमें मुझे बैठ के आना था क्योंकि अकेले तो क्रियांश के पापा लेके नहीं इसको गाड़ी में आ सकते क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा छोटा है। तो कोई बात नहीं, चलते हैं, छोड़ के आते हैं क्रियांश को स्कूल से। है क्रियांश, मम्मा मम्मा को एक पूछी दे दो। इतना खुश था, इसको लग रहा है ना कि गाड़ी से हम कहीं घूमने जा रहे हैं। नहीं जी इसको नहीं पता स्कूल जा रहा है, लेकिन स्कूल भी इसको अच्छा ही लगता है फिलहाल। अभी तक माता रानी के पास अभी तक स्कूल इसको अच्छा ही लगता है, स्कूल जाता है तो ये खुश रहता है। बाकी हम लोग सोचे कि बारिश हो रहा है छोड़ देते हैं, स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन फिर सोचे कि ये बोर होता है घर में, जब भी संडे को स्कूल नहीं जाता ना तो घर में ये बोर होता है, इस वजह से स्कूल नहीं चला जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या ये कर रहे हो? तो क्रियांश को स्कूल से छोड़ करके आ गए और यहाँ पे माँ खीरा निकाल रही है। आज खीरा निकालना भूल गए थे और माँ आज डाई भी लगाई है क्योंकि रविवार को जो है माँ का तबीयत खराब हो गया था। और उसके बाद दीदी यहाँ पे भिंडी है और जो है इस बार माँ जो है रविवार को जाना चाह रही है कहीं घूमने के लिए, सोची शनिवार को तो लगा नहीं सकते, आज ही लगा लेते हैं। घूमने नहीं, भोला बाबा पूजा करना, घूमने कहीं जाते हैं। हाँ मतलब वही उसी के बहाने, मतलब बाबा के बहाने हम लोग भी घूम लेंगे थोड़ा सा। और माँ का पिछली बार भी था रविवार को घूमने का प्लान, लेकिन माँ बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। सिर्फ माँ नहीं, माँ तो फिर भी साहस बनाई कि हम जाए घूमने, लेकिन डैडी भी बीमार पड़ गए थे, हम भी बीमार पड़ गए थे बिछौना पर से डैडी उठ के। हाँ इस वजह से तो अभी सब्जी उब्जी बन गया, सिर्फ बैगन बनेगा। और बैगन का हमको ये समझ नहीं आता है, पहले गांव में सब कहते थे बैगन को पानी में डाल के काटो नहीं तो सांस अंधी हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा नहीं, अभी अंधी नहीं हुई है, थोड़ा सा आँख में प्रॉब्लम हो गया है, डॉक्टर बोले हर हमेशा जो चश्मा लगा के रखने के लिए, लेकिन माँ जो है क्रियांश के डर से चश्मा लगाती नहीं है, कहती है मेरा चश्मा तोड़ देगा क्रियांश, लेकिन इनका कई बार चश्मा तोड़ दिया है क्रियांश फिर भी। मेरा प्रोग्राम फिक्स है, अगर परिस्थिति भगवान सामान रखेंगे तो रविवार को यात्रा करेंगे, देखो लेना क्या। तो कहीं जाने वाले हैं हम लोग, बताएंगे जब जाएंगे उस टाइम बताएंगे। अभी अभी सोचते हैं भोला बाबा दरबार जाएंगे या कौन भोला बाबा के यहाँ जाएंगे, भोले बाबा जाएंगे। हाँ सही बात है। A few moments later. तो ये बैगन बनने वाला है आज, बैगन फ्राई, की हमारे घर में कोई बैगन नहीं खाता, सिर्फ हम और माँ खाते। और ये बन गया है भिंडी और इसमें कद्दू सीझा नहीं तो इसमें सीटी लगा के कद्दू को बनाएंगी, तो इसको चलिए काट लेते हैं।
3 hours later. तो हमारा पूजा पाठ हो गया और आज मैंने बहुत सारे कपड़े मंगवाए हैं लड्डू गोपाल के, बहुत प्यारे प्यारे, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये मटकी मंगवाई हुई है जो कि बहुत प्यारी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इससे पहले मैंने कभी नहीं मंगवाया था लेकिन इस बार मैंने मंगाया, बहुत सुंदर है, देख सकते हो इसमें राधे राधे भी लिखा हुआ है। तो इस बार मैंने पहले ही जन्माष्टमी के लिए बहुत सारी चीज़ें मंगाई है और बहुत सारी चीज़ें मंगवाने वाली हूँ। अभी तो फिलहाल इतना कुछ आया हुआ है और एक ग्रीन कलर का ड्रेस मैंने मंगवाया हुआ है, एक पिंक कलर का डार्क पिंक में और एक रेड कलर का, और एक ड्रेस मैंने मंगवाई हुई जन्माष्टमी की स्पेशली जो कि ये है, पूरा बहुत सुंदर है। और इसके साथ साथ ना मैंने इनका पूरा सेट भी मंगवाया हुआ है, देख सकते हैं ये इनका है, इसका पगड़ी है और ये रेड वाला का पगड़ी है, बहुत सुंदर है, और ये ग्रीन वाला का है जो कि बहुत सुंदर है, और एक ये पिंक वाला जो था ना इधर गया, ये पिंक वाले का है जो कि बहुत सुंदर है। तो सबका ये मैंने माला भी मंगाया हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर, और एक ये बांसुरी है, हाथ का, पैर का, और एक बाल। तो हर बार क्या होता था ना कि लास्ट टाइम में मुझे ध्यान आता था, पिछली बार लास्ट टाइम जब हुआ था तो मुझे ध्यान आया कि जा मंगवाया नहीं, और ये ऑफलाइन ना मतलब यहाँ मार्केट में इतना अच्छा मुझे मिलता नहीं है, इस वजह से मैंने ऑनलाइन सारा मंगवा लिया है। कैसा लगा आप लोग कमेंट बताइए, मुझे तो बहुत पसंद आया तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। तो और कुछ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, पहले ये सब रख लेती हूँ, बहुत सुंदर है, मैं तो बहुत खुश हो गई सुबह सुबह ये पार्सल देख करके। और कुछ मैंने बनवाया हुआ है लड्डू गोपाल के लिए इस बार जन्माष्टमी के, इसमें सारी पगड़ी रहती है लड्डू गोपाल की, ये देखिए, ये छोटा सा प्यारा सा कटोरी मैंने बनवाया हुआ है, और एक ये ग्लास और ये चम्मच, कैसा है कमेंट बताइएगा। सिल्वर का मैंने बनवाया, पहले ही मंगवा लिया मैंने, क्योंकि इस बार जो है ना सावन के बाद सुना है मैंने कि चांदी का रेट बढ़ जाएगा, तो सोचा कि चलो अब बनवाना है ही, मैं बनवा लेती हूँ। 20 minutes later तो क्रियांश तो सो गया जी, अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और अच्छी बात है कि क्रियांश अभी सोया है तो कम से कम 2 घंटे वह नहीं जगेगा और अपना काम सब इस बीच में निपटा लेंगे। ऐसा बात बोलोगे तो उठ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, जब अपनी बात पर थू 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 नजर ना लगे। हाँ जी, और बाकी देख रहा था जी आप लोग के कमेंट बहुत आ रहे थे, हमारे कुछ साथ के क्रिएटर है जिनके यहाँ घरों में फंक्शन हो रहा है और उस फंक्शन में जो है हमारे जितने भी साथ के क्रिएटर सब है सभी लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो आप लोग का कमेंट आते जा रहा है कि आप लोग सिर्फ आप लोग नहीं दिख रहे बाकी सब लोग तो दिख ही रहे हैं वहाँ पर, तो आखिर ऐसी क्या बात होगी जो आप लोग वहाँ पर नहीं जा रहे। और हमने सोचा कि क्या इस बात पर जवाब देना जरूरी है क्या कि हम नहीं गए, कोई कारण था जिस वजह से नहीं गए, तो लेकिन देखा कि खत्म नहीं हो रहा है ये कमेंट, और जितना बहुत लोग प्यार करने वाले थे, कह रहे थे कि प्रियादीप के यहाँ फंक्शन था आप क्यों नहीं गए और निको सुमित के यहाँ भी फंक्शन हो रहा है तो आप वहाँ भी नहीं दिख रहे हैं, तो आखिर क्या बात हो गई। तो सबसे पहला जो मन में जो सवाल आप लोगों के आ रहा होगा कि क्या उन्होंने हमें इनवाइट नहीं किया, क्या प्रियादीप की तरफ से या उनके हस्बैंड की तरफ से हमें कोई इनविटेशन नहीं आया, या निको सुमित की तरफ से हमें कोई भी तरह का इनविटेशन नहीं आया। तो अगर आपके मन में यह सवाल है तो आपका यह गलत है जी, उनके तरफ से हमें इनविटेशन आया था। तो फिर आप सोच रहे होंगे तो अगर जब इनविटेशन आ गया तो क्यों नहीं गए आप वहाँ पर, तो बात ये थी जी कि हमारे घर में ही एक फंक्शन था एक रिलेटिव के यहाँ, तो हम लोगों को उसके यहाँ जाना था और वहाँ जो रिलेटिव है उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था, तो अगर थोड़ा आगे पीछे कहे होते तो फिर एडजस्ट किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि उनको हमने जो है अपना जुबान दे दिया था कि नहीं वहाँ पर हम लोग मौजूद रहेंगे, तो इस वजह से जो है हम लोगों के लिए जाना थोड़ा मुश्किल था। और बाकी आज से कुछ महीने पहले हमने वीडियो बनाया था कि हमने कहा था कि अब हम किसी भी क्रिएटर के फंक्शन में नहीं जाएंगे, किसी भी यूट्यूबर सब के फंक्शन सब में नहीं जाएंगे, बोले थे बहुत कम जाएंगे। हाँ, तो लगभग ऐसा ही था कि बहुत रेयरली जाएंगे ये सब चीज़, तो वो हो सकता है कि आप में से बहुत लोग सोच लिए होंगे कि शायद इसी वजह से नहीं जा रहे हैं। और देखिए बात क्या है कि हमारे बच्चे का स्कूल भी अब शुरू हो चुका है, ऐसा नहीं कि हमारा किसी से झगड़ा है, झगड़ा है, हाँ। नहीं जाएंगे,
बस ये है कि हमारे बेटे का स्कूल अब स्टार्ट हो गया है, भले वो अभी पढ़ने वाला नहीं हुआ है, लेकिन वो स्कूल जाता है तो उसको अच्छा। और देखें जी, जब भी हम ज्यादा ट्रेवल करते हैं तो हमारे बच्चे की जो रूटीन है उस पर असर पड़ता है, और उस रूटीन को जो है ठीक करने में कम से कम 10-15 दिन तो लगता ही, 10-15 दिन का हम तो क्या महीना लग जाता है उस चीज को ठीक करने में, महीना लग जाता है। और कहीं 4-5 दिन का ट्रेवल हो गया तो फिर उसका खाने का, और बाकी जी देखिए, और बाकी जी देखिए होता क्या है, जैसा कि हमने कहा था कि आप किसी भी क्रिएटर के यहाँ जाओ या कोई भी फंक्शन सब होता है, उसमें आपको व्यू मिलते हैं, डॉलर मिलते हैं, आपके चैनल के लिए फायदे की ही बात होती है, तो ऐसी बात है जी। लेकिन साथ में हम मेंटल पीस भी देखते हैं और अपने घर का जो भी परिस्थिति है उन सब चीजों को भी देखते हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ हो गया तो वो है हमारा बच्चा, हमारा बच्चा, तो वही बात है जी। तो ऐसा हाँ हाँ लेकिन हम पहले लेकिन हाँ लेकिन जी कुछ कुछ ऐसे क्रिएटर हैं जैसे कि प्रियादीप हो गए, निको सुमित हो गए, और भी साथ के बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनके यहाँ हम कभी मना नहीं कर सकते कि अब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अच्छा रिलेशन है इनसे हमारा। और तो मेंटेन करेंगे कि हम मेंटेन करेंगे, जरूर जाए। और ऐसा होगा कि जैसे किसी बार जिया चली गई तो हमने गए, हम गए तो जिया, इस तरह साथ में भी जाएंगे अगर कहीं क्रियास का छुट्टी एडजस्ट हो जाता है। हाँ, तो इस तरह करके अभी होगा, और अब दोनों का साथ में कहीं पर जाना शायद ही अब हो पाएगा इधर कुछ सालों के लिए, जब तक क्रियास का जो है प्रॉपर स्कूल स्टार्ट नहीं हो जाए और सब थोड़ा समझदार नहीं हो जाए। तो उम्मीद करते हैं जी, हमने अपनी तरफ से जितनी बातें कहनी थी सब कुछ आपको कह दिया, और आपके मन से जितने भी सवाल होंगे अब वह खत्म हो गए होंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।